करनाल जिले की सीमा में सभी राजमार्गों पर स्थित ढाबों के अवैध कट बंद होंगे। नेशनल हाईवे की टीम चालू सप्ताह से ही इस पर कार्रवाई करने जा रही है। आपको बता दें कि हाईवे पर अवैध ढाबों को न पनपने देने तथा सड़क पर सुरक्षा बनाए रखने के मकसद से बुधवार को लघु सचिवालय के सभागार में आयोजित एक टास्क फोर्स मीटिंग में उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने इस बात का खुलासा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई से एक स्वच्छ सड़क संस्कृति की तस्वीर उभर कर सामने आएगी। समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने जानकारी दी कि जिले में गत कई महीने से अवैध निर्माण के खिलाफ डेमोलिशन की कार्रवाई लगातार जारी है और इसमें अच्छी खासी सफलता भी मिली है। इसे लेकर अब करनाल, गुरुग्राम और फरीदाबाद के बाद प्रदेश का तीसरा जिला बन गया है। बीते मास मार्च की बात करें तो अवैध निर्माण के खिलाफ DTP की ओर से 7 कार्यक्रम तय किए गए थे, जिनमें 5 पर कार्यवाही अमल में लाई गई और सफलता मिली। इस पर DTP की ओर से तैयार एक प्रेजेंटेशन में दिखाया गया कि इस दौरान जिले के घरोंडा, करनाल व तरावड़ी इत्यादि में बीती 16, 22, 25 व 31 मार्च को पंजाब शेड्यूल्ड रोड 1963 व हरियाणा डेवलपमेंट रेगुलेशन अधिनियम के तहत कार्रवाई करते एक स्कूल की चार दीवारी, अवैध कॉलोनी, ढाबे व मकानों की DPC इत्यादि को डेमोलिश कर दोनों साइड व बीच में बड़े बड़े गड्ढे बनाए गए ताकि वहां दोबारा अवैध निर्माण की जरूरत न की जा सके। उन्होंने बताया कि अवैध निर्माण से निकलने वाले ईंट, रोड़ी, बजरी जैसे मलबे को ट्रैक्टर ट्रॉली से उठवाकर उसकी नीलामी करवाई जा रही है। पिछले 6 महीनों में इससे 2 लाख रुपए एकत्र हुए हैं जो सरकारी खजाने में जमा करवाए गए हैं। बैठक में DC ने बताया कि जिला मुख्यालय, तहसील व नगर निगम क्षेत्र में जो भी अवैध कॉलोनियां हैं उनको रेगुलर करवाने के लिए व्यक्तिगत तौर से एक पोर्टल पर सरकार को आवेदन दिया जा सकता है। उन्होंने बताया कि इस तरह के 26 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। इसके बाद सारे नियम, कायदे, कानून और फिजिबिलिटी के आधार पर सरकार इस पर निर्णय लेगी। वही समीक्षा बैठक में DC ने DTP की कारगुजारी की तारीफ की। वही दूसरी ओर भवन एवं सड़क विभाग के अधिकारियों को ठीक से जवाब प्रस्तुत न करने पर फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि मीटिंग में साफ जवाब दिया जाता है, गोली देने से काम नहीं चलता। अब अगली मीटिंग में मुझे जिले के करनाल, असंत, इंद्री जैसे हाईवे पर 30 मीटर के अंदर कोई ढाबा नहीं, इसकी रिपोर्ट चाहिए। ढाबा बंद कर देना उपाय नहीं, सभी हटने चाहिए। बैठक में SP गंगाराम पुनिया, ADC बीना हुड्डा, जिला के सभी उपमंडलाधीश, नगराधीश, DDPO, DTP, तहसीलदार व नगरपालिका सचिव मौजूद रहे। ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।